बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं गुलाम मोहम्मद अदर बात कर रहा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजाई कर रहा है। हमने आपको दिखाया था चंद दिन पहले कि हमने इस आलू की बेलें जो हैं वो कटवा दी थी, और बेल कटवाने के बाद 10 दिन हमने इंतज़ार किया है ताकि इसका छिलका जो है वो पक्का हो जाए, ताकि जब हम इसमें मशीन डालें, इसको हार्वेस्ट करें, तो वो छिलका ना उतरे। तो एक तो ये हुआ है कि इस वक्त जो इसका ज़मीन का बत्तर है वो भी खुश्क हो गया है, और आलू के ऊपर जो मिट्टी है वो भी नहीं आ रही, तो आलू की शाइनिंग ज़बरदस्त है। और साथ में ये मैं आपको दिखाऊँ कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई छिलका भी नहीं उतर रहा, इसको मिट्टी वगैरह भी नहीं लगी हुई, और आलू बहुत बेहतरीन शाइनिंग में है। तो बताने का मकसद यही है कि जब आप इंतज़ार करते हैं बेल कटवाने के बाद, 8 से 10 दिन इंतज़ार करते हैं, तो इंतज़ार करने के बाद इसकी जो आलू की क्वालिटी है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझानी थी कि आप बेल कटवाने के बाद कम से कम 8 से 10 दिन इंतज़ार करें। 8 से 10 दिन इंतज़ार करने के बाद आप इस आलू की कटवाई शुरू करें। ये अमेरिका की वैरायटी है और माशाल्लाह आलू बहुत अच्छा है।